Hello, students. A very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. In today's lecture, we are going to start uh, with the discussion of the questions regarding the chapter surface area and volume. So, uh, we are going to discuss the questions from the first exercise and along with that, uh, we are going to revise the formula again the formula for surface area, lateral area of square, uh, cube and cuboids.

आपके पास जो टाइल्स हैं उसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइल्स का एरिया निकालेंगे। क्योंकि तो दी है वो वैल्यूज आप पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आपको सर्फेस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी अगली चीज आपको निकालना है कि कितने टाइल्स हैं जिसको कि हम पेट कर सकते हैं यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स तो उसके लिए आपको जो वो अमाउंट दिया हुआ है वो यूनिट जो है उसकी वो मीटर मीटर स्क्वायर में है तो उसको हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा यानी कि ट्वेंटी इसको हमें टेन टू दिप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये जो है यूनिट आपने चेंज कर ली सेंटीमीटर स्क्वायर में इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे जो कि एक टाइल का सर्फेस एरिया uh, है उससे दैट इज नाइन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो आफ्टर डिविजन यूर गोइंग टू गेट दैट

एक्सटर्नल डायमेंशन आपको दिया हुआ यूनिट मीटर में हमने उसको चेंज कर लिया सेंटीमीटर में थिकनेस आपको दिया गया है वुड का थ्री सेंटीमीटर तो जब आप इंटरनल डायमेंशन निकालेंगे तो दोनों साइड से आपको थिकनेस इंटू टू चीज माइनस टू का जो क्वांटिटी है वो माइनस करना पड़ेगा यानी कि वन फोर्टी एट माइनस थ्री इंटू टू दट कम टू ये जो थिकनेस है वो थ्री दी हुई और टू क्यों क्योंकि दो साइड से कम होगा तो इसलिए हमने इसमें से सारी तीनों क्वांटिटीज में से इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए थ्री टू जर सिक्स यानी कि ये क्वांटिटी माइनस कर दी और इंटरनल डायमेंशन आपको मिल गया अब हम निकालेंगे इंटरनल सर्फेस एरिया फॉर द ओपन बॉक्स क्योंकि बॉक्स ओपन है तो हम इसके अपर सर्फिस को नहीं कंसिडर करेंगे तो लोअर सर्फिस के लिए हमें क्या मिलेगा टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच और इसमें से हम अपर सर्फेस की एरिया को माइनस कर देंगे

279.50 अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो हिंदी मीडियम बुक से प्रश्नावली 13a 13a का क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से दुगुनी है और उसका आयतन 36 घन सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे कि माना के ठोस की लंबाई एल चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है तो आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि एल बराबर टू बी यहां से ब्रेथ निकाल सकते हैं एल बाई टू हो जाएगा और दिया है कि लंबाई जो है वो तीन गुना है ऊंचाई के तो वहां से हाइट निकल जाएगी कितनी एल बाई थ्री अब आयतन क्या होता है लेंथ लेट जो की आपको दिया गया है थर्टी सिक्स तो लेंथ की जगह हमने एल रखा ब्रेथ की जगह हमने एल बाई टू और हाइट की जगह एल बाई थ्री इसको सॉल्व करके लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स सेंटीमीटर अब इसी की हेल्प से हम ब्रेथ निकाल लेंगे ब्रेथ कितना है एल बाई टू यानी कि सिक्स बाई टू वो हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर और हाइट आ जाएगी टू सेंटीमीटर तो जो ठोस है इसका जो डायमेंशन है तो लेंथ उसका हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर ब्रेथ हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा टू सेंटीमीटर अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है प्रश्न नंबर पांच कि एक आयताकार जलाशय की लंबाई छ मीटर और चौड़ाई पांच मीटर है उसमें एक नल से एक सौ बीस लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरा जाता है तो जलाशय में पानी का तल कितने सेंटीमीटर प्रति घंटे से ऊपर उठेगा तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई है उसके हिसाब से जलाशय के लिए लेंथ जो है छह मीटर ब्रेथ पांच मीटर और हाइट मान लेते हैं एच मीटर हमें हाइट की वैल्यू ही निकालनी है अगली चीज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है कि जलाशय में 120 लीटर प्रति मिनट से पानी भरा जाता है यानी कि एक घंटे में 60 इंटू वन ट्वेंटी साठ गुड़े एक लीटर पानी भरा जाएगा अब इसी चीज को आपने सिंप्लीफाई कर लिया यूनिट चेंज कर ली तो ये हो जाएगा सिक्सटी इंटू वन ट्वेंटी इंटू

Meters, जिसको कि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी हाइट की ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर अतः पानी चौबीस सेंटीमीटर प्रति घंटे से ऊपर उठेगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग्यारह एक दीवार दस मीटर लंबी चार डेसीमीटर चौड़ी तीन मीटर ऊंची बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी जबकि एक ईट की जो एक ईट का जो डायमेंशन है वो आपको दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इंटू ट्वेल्व सेंटीमीटर इंटू एट सेंटीमीटर तो पृष्ठ के हिसाब से दीवार की लंबाई दी हुई है दस मीटर मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा टेन इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर चौड़ाई आपको दी हुई है फोर डेसीमीटर यानी कि फोर इंटू टेन सेंटीमीटर अगली चीज दीवार का आयतन निकालेंगे हम आयतन क्या होता है लेंथ लेटू वॉल्यूम तो ये वैल्यू है लेंथ की ये हो गई ब्रेथ की और ये हो गई एरिया की लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों वैल्यूज होती हैं तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अगली चीज ईंट का डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम वहां से उसका आयतन निकाल सकते हो जाएगा पच्चीस घुड़े बारह घुड़े आठ तो अब कुल ईटों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दीवार के आयतन से ईट के आयतन को डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि टेन 10 इंटू हंड्रेड इंटू फोर इंटू टेन इंटू थ्री इंटू हंड्रेड और इसको हमने दीवार का आयतन यानी कि इंटू डिवाइड कर दिया सॉल्व कर लिया नंबर कितना आ फाइव थाउजेंड यानी कि कुल ईटों की संख्या कितनी हो जाएगी पांच हजार तो इसी तरीके से आप आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आता है, तो फिर आप पूछेंगे हम उसको वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे थैंक यू क्लास